साथियों, अब मैं गुजारिश करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से, वो आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय चिराग पासवान जी। साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहां पर आए। क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ आने में। आप सब जान रहे हैं कि किस तरीके से पारिवारिक तौर पर जो एक क्षति पहुंची है। आज पहली बार ऐसा है कि मैं आप लोगों के बीच हूं, एक प्रेस वार्ता कर रहा हूं और पापा उस वक्त साथ में नहीं है। नहीं तो मुझे याद है कि जब भी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या कभी भी हम लोगों का इंट्रैक्शन होता था तो या तो पापा उसे खुद टीवी पर देख रहे होते थे और या फिर जैसे ही मैं जाता था तो वो तुरंत पूछते थे कि अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या पूछा तुमने, क्या बोला। तो ये सारी बातें हैं, रह रहकर ऐसी चीजें दिमाग को कौंधती हैं, दिल को कौंधती हैं। सोचा नहीं था कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब पापा के बिना मैं इस तरीके से अकेला बाहर होऊंगा। पर ये हिम्मत भी फिर मुझे पापा ही देते हैं। हमेशा उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारी डगर सही है, तुम्हारी राह सही है तो अकेले चलने से कभी डरना मत। एक बात है जो हमेशा मेरा हिम्मत आज भी बढ़ाती है, पापा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ। और जो पापा का सपना था और जो उनकी अंतिम इच्छा थी, आज उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने आया हूँ। बिहार पर, बिहारी पर लंबे समय से हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो मैं प्रदेश को समर्पित करने आया हूँ। 12 करोड़ अपने बिहारी साथियों को वो समर्पित करने आया हूँ। ये सोच बिहारियों के सुझाव से ही तैयार की गई है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने बिहार पर्स, बिहारी पर्स विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया। लंबे समय से मैं और पापा मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसकी फाइनल रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे थे। मुझे याद है कि अस्पताल में भी, अपने आखिरी दिनों में भी, पापा ने इसमें बैठकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जहन में आई, उन पॉइंट्स को उन्होंने जुड़वाया, उन चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ ठीक करने की ज़रूरत थी उनको बैठकर ठीक किया। इसके लिए जिस समिति का हम लोगों ने गठन किया, उस समिति के साथ निरंतर अस्पताल से भी पापा फोन पर बात करते रहे, उनसे चर्चा करते रहे कि इसमें ये चीज़ कैसे करना चाहिए। उनका एक अपना सक्रिय राजनीति का, 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव है। उस अनुभव का सारांश भी है ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट। इसमें बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने समाधान नहीं किया हो। मेरी राजनीति सकारात्मक राजनीति की मैं सोच रखता हूँ। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ और बिहारी हूँ, और एक ऐसा बिहारी जो देश और दुनिया भी घूमा हुआ है। बाकी प्रदेशों की तुलना में मेरा बिहार कहाँ है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में या तो मैं रहा हूँ या मैंने काम किया, और ये मेरे लिए चिंता का विषय रहा है। दुनिया का मापदंड अगर आप भूल जाएं, देश का ही मापदंड देखें, तो हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास के नए मापदंड तैयार कर रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग रोज नए पैरामीटर्स हम लोग हासिल कर रहे हैं, रोज नए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बिहार को देखें तो आज भी हमारा मापदंड इतना छोटा है विकास को लेकर। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीजों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को बिजली पहुंचाएंगे। भैया, ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीजों का जिक्र करें। पलायन हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप देखिएगा, धीरे 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 करके देश, जहाँ एक तरफ हमारा युवा देश है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि भैया 70% आबादी भारत में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है,
और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा ही भारत का भविष्य है, युवा ही नई सोच लेकर आएंगे, युवा ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पर चिंता का विषय है युवाओं का पलायन। जहाँ देश हमारा युवा है वहीं प्रदेश हमारा धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होने लग गया है। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विभिन्न और कारणों से हो, व्यवसाय के लिए हो, पर जितने भी युवा हैं वो हमारे प्रदेश से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पर रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मेरे लिए चिंता का विषय है। और जब तक इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की हालत है, जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली है या जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब तक हम लोग हर सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक जो विकसित बिहार का हम लोग का सपना है शायद हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। और यही कारण है कि एक लंबा समय बीत गया, लगभग तीन दशक, पिछले तीन दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रहीं, सरकारें गिरती रहीं। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं, जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं। जिन्होंने इससे बांटो और शासनकरों की राजनीति को अपनाया, जब अंग्रेज हम लोग को बांटते थे और हम लोग के ऊपर रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां से आई थी, और वही कार्य आज के मुख्यमंत्री हमारे करते हैं। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, और सबको वोट बैंक बनाया गया। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उसके बाद शुरू की गई कि भैया तुमको हम ये दे देंगे, तुमको मुफ्त में हम ये दे देंगे। बताइए जिस प्रधानमंत्री की सोच ये हो कि तुम्हारे परिवार में किसी की हत्या होगी तब तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, और वैसे सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी कहां कोई देता है, कौन से देश में ये परंपरा है कि वहां पर सरकारी नौकरी दी जाए। भाई क्यों नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, आज अगर हम लोग रोजगार की अगर अपेक्षा रखेंगे तो आपसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते। कारखानों को लेकर आपने हाथ खड़े कर लिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला कि लैंडलॉक्ड है हमारा एरिया, प्रदेश हमारा बिहार, भैया पंजाब भी ऐसे ही लैंडलॉक है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, और आंकड़े आप लोग निकाल कर देखिए, हजारों की संख्या में वहां पर कारखाने खुले हैं, और हमारे यहाँ कारखाने नए खुलना तो बंद, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप देखिएगा कि कितने सैकड़ों जो चल रहे थे कारखाने वो बंद हुए। निरंतर मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर सबसे पहले जितनी बंद मिले पड़ी है उसको हम लोग को खुलवाने का काम करना चाहिए, पेपर मिलो, चीनी मिलो, कई ऐसे कारखाने, उसमें यंग आईटी प्रोफेशनल्स की टीम को आप हायर कीजिए और उन प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल किया जाए उस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। नहीं, मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर ना रोजगार को लेकर। इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े, और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भैया जितने युवा हैं वो अनुभवहीन होते हैं। ताज्जुब होता है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी युवा के तौर पर ही की थी, छात्र आंदोलन से वो निकले थे, जेपी के दौर से वो निकले थे, और उस वक्त उनकी जो राजनीति थी वो छात्र आंदोलन, छात्रों, युवाओं के लिए ही था। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग की कोई टांग खींचने का काम करता, हम लोगों को पीछे धकेलने का काम करता है, तो हमारे मुख्यमंत्री ही वो काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। इन तमाम चिंताओं पर हम लोग को काम करने की जरूरत है, और उसी की सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। उसके कुछ प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जो मैं आप लोगों के मैं समझ रखना चाहता हूं कि किस सोच के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। मेरी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला मैं व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले 20 दिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, बिना किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात करें। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम 12 करोड़ बिहारियों के सिर्फ 20 दिन अपने लिए चाहता हूं।
इन 20 दिनों में ना सिर्फ बिहार को बिहारी बस को आप समझें, बल्कि इस बात का भी आप लोग आकलन करें कि पिछले 30 साल क्या जो दूसरे प्रदेशों को मिले वैसे ही हमारे प्रदेश को मिले। जहां दूसरे प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से आगे बढ़े, क्या हमारा प्रदेश वैसे आगे बढ़ पाया? ये 20 दिन हमारे आने वाले 50 साल को निर्धारित करेंगे। ये 20 दिन यहाँ से एक नई आधारशिला रखेंगे। और अगर कहीं गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री अगर पुनः अगर इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा, हमारा प्रदेश पुनः बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा, हमारा प्रदेश का युवा फिर से पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। मेरी आने वाली पीढ़ी, जितने युवा साथी हैं उनकी आने वाली पीढ़ी पुनः पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। इसीलिए साथियों, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को हम लोग समझें, उसको आज मैं प्रदेश को जहां एक तरफ समर्पित कर रहा हूं, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। पहले मैं चाहता हूं कि सब विमोचन करके हम लोग आपके समक्ष भी एक एक कॉपी दे दें। आइए, अरे बैठिए, साथियों बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन क्या है वो मैं आप लोगों की जानकारी में मैं पहले मैं दे दूं। इसके कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में हो और आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जनता तक वो पहुंचे। इसमें पहले पन्ने पे जो इस विजन डॉक्यूमेंट का सारांश मैंने तैयार किया, मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूं, पापा क्या सोचते थे बिहार को लेकर, ये तमाम बातें। और मुझे लगता है कि पापा का एक आखिरी लेख, पापा ने बिहार के बारे में मेरे बारे में इसके आखिरी पन्ने पर अगर आप देखेंगे तो पापा क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, उन्हीं के हस्ताक्षर के साथ उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया। साथियों इसके दो चार जो प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं बताता हूँ। जहाँ इसकी शुरुआत मैंने इस लाइन से की है कि मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है जिसकी पहचान सदियों से रही है, और ये हम सबका अभिमान रहा है। बिहार बिहार से देश गौरव करता था। हम लोग प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज का जब जिक्र होता था पुराने जमाने में, जब तक्षशिला की बात होती थी तो वहीं बिहार से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहां देश विदेश के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहां पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें, जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी घर वापस आना चाहते थे, पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। आप कोटा का अगर आप देखें वहां पे पढ़ने वाला बिहारी पढ़ाने वाला बिहारी अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते, क्यों इस तरीके की एजुकेशनल हब हम लोग बिहार में नहीं बना सकते। आप शिक्षकों की हालत देखें यहाँ पे किस बदहाल परिस्थिति में है, और हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा शिक्षकों का आक्रोश सड़क पर आया हुआ था, भाई शिक्षा को शिक्षकों को हम लोगों ने भगवान से बढ़कर दर्जा दिया, गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया,
सबसे पहले अगर भगवान और शिक्षक सामने हो, आप भगवान का, आप गुरु के, अपने शिक्षक के आप चरण आप छूते हैं, वही आपकी नींव तैयार करते हैं, वही आने वाले समय का भविष्य, बिहार का भविष्य, युवाओं का भविष्य की वो नींव रखते हैं। और आज वही शिक्षक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लाठी खाते हैं, सड़क पर धरना करते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई सुनने वाला कोई नहीं। और उनकी मांग क्या, जायज मांग कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए। कौन इस बात को गलत कह सकता है? अगर दो व्यक्ति हैं एक ही तरीके का काम कर रहे हैं तो एक की तनख्वाह आप दुगनी से तिगुनी करेंगे और दूसरे की सैलरी आधे से भी कम रखेंगे, ये कहां का न्याय है? ये किस तरीके की सोच है? और उसके बाद जब वो अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनको बेइज्जत करते हैं। तो ये शिक्षा को लेकर जब तक हम लोग यहाँ की सिस्टम को नहीं बदलेंगे, बेहतर शिक्षा प्रणाली को हम लोग लागू नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम तरीके की व्यवस्था आप लोग जब इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम तरीकों की इन प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया कि कैसे हर जो एक जिले पे हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और मैं खुद पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, पढ़ा लिखा 21वीं सदी का लड़का हुआ, मैं जानता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है। जब तक हमारा प्रदेश बढ़ेगा नहीं, ये मूल इसके आधार में है शिक्षा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप जागरूक नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। अधिकारों को जानना जरूरी है, अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है जो शिक्षा आपको देगी। तो इन तमाम चीजों का जिक्र हम लोगों ने किया है कि किस तरीके से शिक्षा जरूरी है। वहीं अगर आप स्वास्थ्य की अगर आप बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से आज के हालात है, आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, किस जर्जर हालत में है हमारे वहाँ के अस्पताल। और अस्पताल तो दूर की बात, वहाँ पर आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। रात बेरात आप सब लोग गवाह हैं, आप लोग के परिवार का कोई ना कोई सदस्य बिहार के किसी ना किसी प्रखंड के किसी ना किसी पंचायत के किसी ना किसी गांव में आज भी होगा और आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। रात बेरात अगर किसी को तकलीफ आ जाए, किसी को कोई कठिनाई आ जाए तो उसके पास कोई जगह नहीं होती जाने की। सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते ये प्रश्न उठना चाहिए। सैंक्शन पोस्ट होती है डॉक्टर्स की, सैंक्शन पोस्ट, जिसके लिए बजट पहले से अधिकृत होता है, बजट उसके लिए एलोकेट होता है और उसके बाद वहां पे डॉक्टर नहीं होते। महिला चिकित्सकों की ना के बराबर उपलब्धि होती है, अवेलेबल होते हैं। किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर आप चले जाइए, महिला डॉक्टर्स नहीं होती। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रसव के दौरान उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है कोई लेडी डॉक्टर के ना होने की वजह से, या उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर वो फैसिलिटी नहीं होने के कारण। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर बीपी तक को जांचने की मशीन नहीं है, उसके लिए आपके पास उपकरण मौजूद नहीं है। क्यों हालात हैं हमारे प्रदेश के ऐसे, ये सवाल उठने चाहिए। और अगले 20 दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से ये सवाल हर बिहारी पूछे, हर बिहारी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे कि क्यों हमारा प्रदेश अभी तक विकसित नहीं हुआ। हर बिहारी इस सवाल को पूछे कि भैया पिछले 5 साल में आपने क्या किया। हमारे मुख्यमंत्री फरेब का जाल बुनना चाहते हैं जब वो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। भैया उनके 15 साल खराब थे, इसीलिए वो पिछले 15 साल से वो सरकार में नहीं है। पर आज जवाबदेही आपकी बनती है, इस 15 साल आप हैं सरकार में। 15 साल कम समय नहीं होता है साथियों। 15 साल में कोई अगर उस वक्त 2-3-4 साल का लड़का होगा, आज वो पहली बार अपना वोट करने जा रहा होगा, पहली बार उसको मतदान का हक मिल रहा होगा, मतदान करेगा, मत प्रयोग करेगा अपना। और वो जो 15 साल का जो लड़का जो इन 15 सालों में 18 साल का हुआ है, उस लड़के ने सिर्फ आपके 15 साल देखे। उसको नहीं पता भैया कि जिसको आप जंगलराज कहते हैं, जिसको आप कोसते नहीं सकते, पर 2015 में फिर भी आप उन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। पर उस लड़के को वो पिछले 15 साल नहीं पता, उसने देखे तो सिर्फ आपके 15 साल देखे। आप बताइए कि आपने इन 15 सालों में क्या किया। और जब ये निर्णायक 5 साल आए, उसमें बताइए कि खासतौर पर आपने क्या किया। मैं चाहूंगा कि आप तमाम प्रेस पत्रकार साथी, मीडिया के साथी जाएं और मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। आप पूछकर बताएं उनसे कि पिछले 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है। भूल जाइए 15 साल में आपने क्या किया। आप क्या गिनाते हैं, साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। भैया कब किए थे आप साइकिल योजना की शुरुआत। इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे। आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी। बिजली की योजना दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत
गांव गांव तक बिजली पहुंची। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और उसके बाद आप धीरे लेते हैं कि भैया बिजली पहुंचाई आपने, केंद्र सरकार, ये वही केंद्र सरकार, ये वही प्रधानमंत्री जिनका आप हाथ छटक कर आप अलग चले गए थे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए। इन्हीं प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार आप 2014 में बनना चाहते थे, इन्हीं को निमंत्रण देकर आपने इनके हाथ से थाली छीनी और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों, जिस प्रधानमंत्री को वो देखना नहीं चाहते थे आज अपने सत्ता के लालच में उनके साथ हर मंच को साझा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके पिछले 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर पुनः अगर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के पिछले 6.5 साल के कार्यकाल को गिनाकर ही आप पुनः सत्ता में वापस आ सकते हैं। और यही मुख्यमंत्री करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के ही कार्यों को आप कर दिखाने का कार्य कर, उन्हीं के कार्यों को आप गिनाने का काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप मुझे बताइए क्या किया आपने हमारे प्रदेश में? लॉकडाउन में जो माइग्रेंट, जो मजदूरों की हालत हुई हमारे प्रवासी मजदूरों की, किस बदहाल परिस्थिति में हमारे बिहारी साथी अपने प्रदेश आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर वो हमारे प्रदेश पहुंचे, आपने उनको गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई। दुहाई दी आपने कि भैया लॉकडाउन है, दुहाई दी आपने कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है। अरे भैया संसाधन की कमी है तो संसाधन बढ़े हमारे प्रदेश का उसके लिए आपने क्या किया? राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े हमारे प्रदेश का उसके लिए आपने क्या किया? या संसाधन इतने आपके कमजोर थे कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग आ रहे थे उनके लिए कुछ सैकड़ों बसेस की आप उपलब्धि नहीं करा सकते थे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? और आप निरंतर दुहाई किस बात की दे रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लॉकडाउन है, किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री का, शर्मनाक बयान। और उसके बाद भावुक होकर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि अरे उन्हें हम प्रवासी नहीं बुलाते, उन्हें हम प्रवासी नहीं मानते। अरे आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा मुख्यमंत्री जी, प्रवासी हैं वो। प्रवासी नहीं होते तो आज अपने घर परिवार वालों के साथ रह रहे होते, अपने गांव में अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी के साथ रह रहे होते, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर रहे होते और अपना भविष्य बिहार में रहकर बना रहे होते, ना कि दूसरे प्रदेश में रह रहे होते प्रवासियों की तरह। और बोलते हैं कि हम उनको प्रवासी नहीं मानते, आपके मानने से क्या होगा, प्रवासियों की जिंदगी जी रहे हैं वो दूसरे प्रदेशों में। कभी आपने सोचा कि किस बदहाल स्थिति में हमारे बिहारी रह रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत जी का एक मैटर था, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो नेशनल चैनल का वो मुद्दा बना, न्यूज में आया, पर वो सिर्फ एक विषय था। ऐसे सैकड़ों बिहारी हैं जिनकी किस परिस्थिति में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारते गुजारते खुद गुजर चुके हैं, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं। मैं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा एक उदाहरण बने, एक पैरामीटर बने आने वाले समय में, ताकि दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों को इस बात का विश्वास हो कि मेरा मुख्यमंत्री मेरे साथ है। पर सुशांत सिंह राजपूत जी के मैटर में भी जब तक मुख्यमंत्री ने, जब तक उनके परिवार के लोगों ने FIR दर्ज नहीं कराई तब तक इन्होंने यहां से कोई पहल नहीं की। उस वक्त उन्होंने एक शब्द बोलना, हफ्तों बीत गए थे, मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो सोचिए आज अगर कोई मजदूर दूसरे प्रदेश में, उसकी जान अगर ऐसे ही जाती है, उसका निधन ऐसे ही होता है, तो क्या मुख्यमंत्री उससे बोलेंगे? क्या उनको जानकारी होगी? नहीं जानकारी होगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से कि आप मुझे आंकड़े बताइए कि कितने बिहारी दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने, गुजरात में कितने, कर्नाटका में कितने, तमिलनाडु में कितने, आंकड़े नहीं है इनके पास। हम लोगों ने बात की है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, कि अलग से एक प्रवासी मंत्रालय का हम लोग गठन करेंगे, एक मंत्री की जिम्मेदारी होगी पूरी तरीके से, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उसका संरक्षण करें, जैसे हम लोग का विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, ताकि दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, उनके साथ रहता है, उनके दुख सुख में उनका ख्याल रखता है। पर एक तो आपने बिहारियों को अपने प्रदेश में रहने नहीं दिया और दूसरे प्रदेशों में मरने के लिए आपने छोड़ दिया, चिंता तक नहीं की, कभी दोबारा उनकी सुध नहीं पूछी। लॉकडाउन के समय वो कैसे हैं, ठीक है, नहीं है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सामाजिक दूरी की बात को, ये प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर दोहराते रहे, पर देखिए दूसरे प्रदेशों में एक एक छोटे से कमरे में 15-15, 16-16, 20-20 बिहारी रहने को मजबूर हैं, कैसे सामाजिक दूरी का पालन होगा वहां पर? और उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे खामोश। यहां पर जब हमारे नेता, मेरे नेता, मेरे अभिभावक, मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने निरंतर कोरोना काल में
निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हो, उप मुख्यमंत्री से बात कर हो, यहाँ के अधिकारियों से बात कर हो, ताकि किसी को राशन की कमी यहाँ पर नहीं आए। पापा दिन रात लगे रहे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते थे। लगभग 15 लाख के करीब लाभार्थियों की सूची पेंडिंग थी जो बिहार सरकार ने 2014 से नहीं दी थी। उसके लिए पापा निरंतर प्रयासरत रहे कि जो लाभार्थी हैं कम से कम उनका नाम तो खाद्य सुरक्षा कानून के साथ जुड़े, ताकि उनको तो इस योजना का लाभ हो, ताकि उनके पास राशन पहुंचे। पर मुख्यमंत्री के कान पे जू तक नहीं रहती थी, मुख्यमंत्री एकदम खामोश, और उसके बाद कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। भैया सब केंद्र सरकार की योजना। पापा ने ना सिर्फ राशन बिहार तक पहुंचवाने का काम किया, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि उनके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। देश में आप देख लीजिए, कहीं पर जहाज के माध्यम से, कहीं पर अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पानी के जहाज के माध्यम से हो, हवाई मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। दुख सुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा होता है, सही मायनों में वो आपका नेतृत्व करने का हकदार होता है। हमारे मुख्यमंत्री ना लॉकडाउन में, ना जल जमाव में, ना बाढ़ के समय, क्यों हमारे प्रदेश को, भैया आपके रहते हुए 15 साल में आप बताइए ना कि प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या किया? आज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पर आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि अगले साल बरसात में जून जुलाई अगस्त का महीना देखिएगा।